चारधाम यात्रा जो कि 1 मई से लगभग शुरू हो जाएगी और उसको लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारी में लगा हुआ है, जिसको लेकर आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा है कि 2024 में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारी कर रहा है, जिसके तहत ओवरलोड होने के कारण वेबसाइट हैंग ना हो जाए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि चेकिंग के लिए हाईटेक पोस्ट लगाई गई है, जिसके माध्यम से चेकिंग की जाएगी, उसका भी ध्यान दिया गया है विभाग के द्वारा। और उन्होंने आगे कहा है कि जो वाहन ऋषिकेश हरिद्वार से चलने हैं उनके यूनियन से वार्ता चल रही है, इसके साथ ही जितने वाहन चल रहे हैं उसकी सूची निर्धारित हो गई है। 2024 की चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, और जिसके अंतर्गत ऐसा माना जा रहा है कि भाई फर्स्ट वीक में चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी पूरी योजना के अंतर्गत सारी तैयारियां शुरू कर दी है और लगभग हमारी तैयारियां कंप्लीट हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो ऑनलाइन सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं परिवहन विभाग की ओर से, जो चारधाम का जो हमारी साइट है जिस पर कि लोग ग्रीन कार्ड बनाते हैं, ग्रीन कार्ड की साइट और ट्रिप कार्ड की साइट को हमने पीछे बैक एंड पूरा तैयारी कर ली है, ताकि कोई भी साइट में हैंग की प्रॉब्लम ना आए या ओवर लोड होने की वजह से साइट रुके ना। हमारा पूरा बैक एंड पर तैयारी पूरी है। इसके साथ साथ हमारी चेक पोस्टें, जो हम लोग चेक पोस्टें लगाते हैं जहां पर कि हम हाईटेक चेक पोस्टों के माध्यम से चेकिंग करते हैं, उन चेक पोस्टों की भी साफ सफाई और सब कर दिया गया है।